आज इतने प्लांटेड लोग आते हैं, कोई पत्रकार प्लांटेड आता है, ऐसे आते वैसे आते, आपको डर नहीं लगता है? हमका डर है हमारे दुश्मन, हमें क्या डर, सांच को क्या आँच है? और एक बात अपनी जिंदगी में याद रखना मेरे पागलो, झूठ को याद रखना पड़ता है, सत्य को याद रखने की आवश्यकता नहीं होती। अगर तुमने झूठ बोला कि हमारे दो मकान है, जब भी हम मिलेंगे तो तुम्हें याद करना पड़ेगा कि दो बोले थे कि तीन। लेकिन अगर सत्य है कि दो हैं, तो कोई याद करने की आवश्यकता नहीं, चाहे जितनी बार हम पूछे तुम्हारा वही उत्तर निकलेगा जो होगा। तो सत्य तो हमेशा एक जैसा रहता है, सत्य को कोई ना डुबा सकता है, सत्य को कोई मिटा भी नहीं सकता है। और याद रखना, झूठ में आकर्षण बहुत होता है, झूठ में चुंबकीय गुरुत्वाकर्षण बहुत होता है, लेकिन याद रखना टिकता हमेशा सत्य ही है। झूठ ज्यादा देर तक टिकता नहीं है, झूठी बातें तुम एक बोलोगे, तुम्हें एक झूठ को सत्य करने के चक्कर में चार झूठ तुम्हें फिर बोलना पड़ेगा, तो बात बढ़ती जाएगी, तुम्हारा दिमाग का स्ट्रेस हो जाएगा, तुम पर पछताओगे कि कहां से झूठ बोल दिया। इसलिए काम करो, कम खाओ गम खाओ, कम बोलो पर सदा हुआ बोलो, और जितना कम बोलोगे उतना अच्छा है। और खासकर आज की प्रश्नोत्तरी की बात में एक सूत्र लेकर के तुम अपने घर जाना, तुम्हारे घर में लड़ाई होने का कारण ये है कि तुम बोलते बहुत हो, लड़ाई का कारण ही यही है। अगर तुम्हारी घरवाली बोल भी रही तो तुम चुप हो जाओ, और तुम्हें सुनकर के बहुत मजा आएगा, एक आदमी 60 साल तक बहरा रहा पत्नी के चक्कर में, 60 साल बाद उसने राज खोला कि मैं बहरा नहीं हूं, क्योंकि तब तक पत्नी समझ चुकी थी कि इसको सुनाई नहीं देता है, इसलिए पत्नी ने भी गाली बकना बंद कर दिया था। तो याद रखना, जो बहरा होता है उससे बोलता कौन है? इस पूरी दुनिया में जितनी भी लड़ाइयां होती हैं, बोलने पर लड़ाइयां होती हैं, हमारा एक सूत्र है, हम किसी को कह रहे थे, इस पूरी दुनिया में अगर इंसान मौन होने लगे, इस पूरी दुनिया में इंसान अगर सधा हुआ बोलने लगे, पूरे घरों में लोग, घरों के सदस्य बहुत कम बोलने लगे, तो घर का बिखराव, घर का टकराव और घर का अलग होना और घर में विवाद बनना बहुत कम हो जाएगा पूरी दुनिया से।